हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा नाम आसिफ, आज आपको घुमाने वाले हैं सबास कुली, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से 12 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है। रुकिए रुकिए रुकिए, जाना नहीं है, पूरी वीडियो देख कर जाइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा सहबाज कुली का स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्रॉसिंग नज़र आ रही है। क्रॉसिंग के दाहिने साइड जो है वो रास्ता चला जाएगा, गांव डारीडी होते हुए बहुत सी गांव में जाता है, और बाएं जो जा रहा है वो आपका जाएगा मेन हाईवे मिलेगा, जो कि गाजीपुर यूसुफपुर बनारस वगैरह जाता है। और ये रहे हमारे एक छोटे से मित्र, जो कि बोतल लेके कहीं जा रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहा है, शायद बोतल लेके जा नहीं रहे कि कहाँ जाया जाता है। इधर ये स्कूल है, फील्ड है। ये काम जारी है लगातार, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, तेज़ काम हो रहा है। इधर ये सहबाज कुली का फर्स्ट प्लेटफॉर्म ये कहा जाएगा इसको। ये देखिए, जो रेल लाइन किनारे किनारे होते, ज़्यादातर स्टेशनों पर ऐसे ही होता है, ताकि जो है आदमी उतरे तो स्लिप वगैरह ना करे। अभी कार इसका जारी है, और ये पहले इधर जो है बैक साइड जो पत्थर रखा है उसके पीछे साइड एक फील्ड थी काफ़ी अच्छी और बड़ी, वहाँ क्रिकेट वगैरह हुआ करता था। लेकिन जब से ये बना है दूसरा प्लेटफॉर्म यहाँ तक, तब से फील्ड का मामला ही ख़त्म हो गया, फील्ड अब रह नहीं गया। अब फील्ड के जगह पे रास्ता और फालतू गड्ढा उड्ढा है। और ये पीछे यहाँ पे सब मिठाई उठा की दुकान है, और इधर छोटी चट्टी है सहबाज कुली की, तो आप देख सकते हैं ये। और आगे से आपको हम दिखाएंगे चल के, अभी तो थोड़ा दूर पड़ रहा है। यहाँ थोड़ी चट्टी है, पीछे तो मंदिर है। सहबाज कुली स्टेशन, पहले काफ़ी पेड़ वगैरह हुआ था, लेकिन अब जो है बनने की वजह से, ये प्लेटफॉर्म बनने की वजह से पेड़ वगैरह जो भी है कट चुका है, तो इसलिए थोड़ा सूना सूना लग रहा है। सूना सूना है जहाँ, अब जाऊँ मैं कहाँ, वही हाल है। तो थोड़ा सा पेड़ वगैरह होता तो अच्छा लगता था, लेकिन अभी जो है पेड़ ना होने के कारण थोड़ा समस्या है। समस्या क्या है, अभी समस्या नहीं, गर्मी में समस्या होगी, शायद गर्मी तक बन जाए, लेकिन अब आगे मतलब काम तो जारी है। आप देख सकते हैं इधर थोड़ा, जब से हाल्ट हुआ है कुछ समस्याएं थोड़ी सी बढ़ गई हैं। 8 दिन से टिकट यहाँ नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है। ये इधर गांव है सब, इधर सरा बहादुर वगैरह गांव पड़ेगा, और इधर आपका इधर तक सरा बहादुर है, उधर डारीडी करीब पड़ेगा। ये स्कूल है, मिडिल स्कूल कहा जाता है इसको, सरकारी है, जो कि अभी सही नहीं चलता है, मतलब समझिए कि बंद हो चुका है। सहबाज स्कूली, ये इधर बैठने उठने की व्यवस्था है थोड़ी नॉर्मल सी। और ये पहले पुराना जब था तो यहाँ पहले स्टेशन मास्टर का हुआ करता था, अभी ये बंद हो चुका है। यहाँ इधर से लेकर उधर तक जो लास्ट तक बैठने की व्यवस्था है, बनाया गया है। उधर 2-4 पेड़ ही बचे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे हाल्ट होने के कारण अभी सुबह जो 6 बजे ट्रेन जाती है। अरे ये सुबह 6 बजे वाली ट्रेन है, जो कि काफी भीड़ है, पूरा बड़ा है, पूरा दबे हैं लोग, कितने लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं। आज पेपर था SSC GD का बनारस में, इसलिए आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और स्टेशन का यही हाल है, 6 बजे 6:30 बज रहा है करीब करीब न, यहाँ बहुत से लोग तो चढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इतना भीड़ के कारण उनको बस से जाना पड़ेगा। और ये देखिए, यहाँ जो है अभी कैबिन भी नहीं खुला है, कोई टिकट भी नहीं कटाया है, वैसे तो अंधेरा है, बाद में बाकी दिखाते हैं। वो देखिए, अभी टिकट काउंटर जिसको कहा जाएगा पीछे है, पीछे से खिड़की से मिलता है टिकट, ये फिलहाल में अभी बंद है।
हाँ फिलहाल में ये बंद है, तो 8 दिन से करीब करीब यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है, तो पैसेंजर को बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी पीछे ये पीछे बना है, पीछे का आपको दिखाएंगे चल के। ये रहा सहबास पुली का लास्ट छोर, जहाँ बोर्ड लगा हुआ है वह लास्ट छोर है। नहीं मतलब आज बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ टिकट की थोड़ी सी व्यवस्था दिक्कत हो गई है, अभी ट्वीट करना पड़ेगा रेलवे को। ये जहाँ से टिकट है वो टिकट का मेन बंद है, आगे आपको दिखाते हैं जहाँ से टिकट मिलता है। जहाँ से टिकट मिलता है खिड़की साइड से, वो अभी तक बंद है, तो यहाँ हाल्ट होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। थोड़ा मौसम ख़राब है जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा। और ये सहबास पुली चट्टी मंडे और फ्राइडे को यहाँ पे बाज़ार लगती है सब्जी की, अभी तो सूना सूना है क्योंकि सुबह का टाइम है तो सूना सूना ही रहेगा। तो ये शिव मंदिर और ये रहे खिड़की, बार बार इसको हम दिखा रहे हैं इसलिए कि ये 8 दिन से बंद है, 8 दिन से बंद है। इससे पहले जो है इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जो पैसेंजर कैसे आएंगे जाएंगे क्या करेंगे कहाँ से टिकट लेंगे, इन लोग को कुछ हिसाब किताब नहीं इस सब चीज़ का। पहले बल्कि सही था, लोगों कहने के हिसाब से ये हाल्ट हो गया है, तो हाल्ट के हिसाब से पहले सही था क्योंकि कभी भी और टिकट मिल जाता था। ये सहबास पुली मेन सामने से सारा अभी भी खिड़की बंद है, अभी भी टिकट खिड़की बंद है।